कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार और फिर उसकी आंखों को चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। ये घटना दमोह जिले के जबेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंजीपुर गांव की है। पुलिस के मुताबिक बच्ची बुधवार शाम को उस वक्त गायब हो गई थी जब वो दूसरे बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। रात भर बच्ची को ढूंढा गया, लेकिन गुरुवार को बच्ची घर के करीब एक सूनी जगह में मिली जो किसी मोहन सिंह की है, और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और आंखों में गंभीर जख्म थे। ग्राम बंसीपुर है, थाना जबेरा अंतर्गत। एक 6 वर्षीय बच्ची जो कल अपने कुछ दोस्तों के साथ, बच्चियों के साथ अपना खेल रही थी, उसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, आरोपी द्वारा उसको ले जाया गया और उसके साथ दुष्कृत्य किया गया। बच्ची की आंखों में भी गंभीर चोटें हैं। और आज सुबह घटना की जानकारी जब प्राप्त हुई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। काफ़ी सस्पेक्ट से यहां पूछताछ की गई है। बच्ची को उसका इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था जबेरा में, जहां उसकी थोड़ी हालत गंभीर होने के कारण आँखों में उसके गंभीर चोट है और भी शरीर में चोटें हैं। उसे तत्काल रेफर करके जबलपुर अस्पताल भेजा गया है, जिला अस्पताल, जहां उसका इलाज चल रहा है। हमारी पुलिस की एक पार्टी उनके साथ गई हुई है। यहां पर मैं स्वयं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या फैसिलिटी टीम, सभी अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कई सस्पेक्ट से पूछताछ की गई है, इसमें कुछ हम लोगों को कुछ सुराग रसी भी प्राप्त हो रही है, उसको हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और शीघ्र आरोपी की पता रसी करके गिरफ्तारी की कर। घायल बच्ची को पहले दमोह जिला अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची की आंखें इसलिए निकाली ताकि वो अभियुक्त को पहचान न सके। वहीं इस घटना पर राजनीति भी होती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट पर लिखा, इतनी नृशंस दरिंदगी भरी घटना, वो भी लॉकडाउन के दौरान, जहां आमजन आवश्यक वस्तुओं के लिए भी घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा है, वहां अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश में रेप, हत्या, किसान की हत्या, गोलीबाजी और चाकूबाजी की घटनाएं जारी हैं। एक माह की आपकी सरकार प्रदेश को किस ओर ले जा रही है? इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और कहा, मैंने घटना का संज्ञान लेकर अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों में पिछले कई सालों से देश में नंबर 1 बना हुआ है। वहीं नाबालिग लड़कियों के मामले में भी इसका स्थान पहला है। न्यूज डेस्क।